Good morning, everyone. Welcome back to our channel. सुबह 8 बजे हुए हैं. उठकर मैं बैठ गई हूँ अपना ऑफिस का काम करने. चाय इज रेडी एंड बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है. मैंने नीचे अपना फुल स्लीव का स्वेटर टाइप्स पहना हुआ है एंड ऊपर ये बाथरूम भी एंड हीटर भी ऑन है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है. इट्स -5. दैट्स वाई हमारी हीट अभी भी काम नहीं कर रही है. सो मतलब कि हमारी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है अंदर, बट स्टिल लाइक -5 में थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है, तो इसीलिए हीटर भी ऑन है. कोई ब्लॉग नहीं बना रहा? क्यों नहीं बना रहा? तूने कहा छुट्टी है. क्यों, जब भी मैं कुकिंग करता हूँ तब तो छुट्टी ले लेता है. मैंने सोचा मैं कुकिंग कर रही तो छुट्टी क्यों ले. तूने कहा ना, मैंने कहा मेरे पे क्या इल्जाम लगा रही है. उसके बाद मैंने डिसाइड करा व्हाई एम आई टेकिंग हॉलीडे. वीकली ऑफर लेते हैं, ठीक है. एक दिन होता है जिसमें हम थोड़े से थके हुए होते हैं, तो फिर कभी आप लोग पूछते हो ना कि आपके ब्लॉग 3-4 दिन ऊपर नीचे क्यों चलते, इसलिए चलते क्योंकि एक दिन छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है. तो फिर मैं आपको 2 चीजें अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा. और गाइस गाना बन गया से वेट कर रहे हैं कब से. इतने प्रोजेक्ट्स लिए हुए गए साथ साथ, तो बेचारा हर प्रोजेक्ट हमारा 15-20 की स्पीड में चल रहा है. Anyway, अब जाके खाना बनाओ और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज अनबॉक्सिंग करनी. कहा है मेरा सामान? इधर पड़ा. मैं तो आपके चक्कर में मैंने सामान नहीं खोला था. आप चलो मेरे साथ किचन में एंड कुकिंग करते हैं आज. तुम अनबॉक्सिंग बाद में, मैं तो जा रहा हूँ. अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा, दिखा रहा हूँ क्या क्या सामान है. ओके, सो एक मैंने मंगवाया है कैमरे की सनग्लासेस गॉगल्स, ठीक है. और एक गाइस एक बंदे ने कॉमेंट भी किया, कीरत दी लाइक मुझे एप्पल टीवी चाहिए चाहिए, मुझे एप्पल टीवी चाहिए चाहिए आफ्टर वन डे, इसको रिटर्न कर दो, मेरे को ये बकवास लगा. सो गाइस फायर स्टिक मंगवाई है. अभी मेरा फायर स्टिक है बट ये लेटेस्ट वाली मंगाई, क्योंकि मैडम को अगर बाई चांस कोई शो देखते देखते एकदम से दूसरे शो पे चलना हो तो एक सेकंड वेट नहीं करी जा सकती. यो जो पुरानी फायर स्टिक है ना वो थोड़ी स्लो सी है, इस पे काफी ज्यादा ऑफ लगा था. मैंने कहा लेट्स ऑर्डर अ न्यू फायर स्टिक. तेरे को मेरी कसम है, ये बता दे सर पे हाथ रख के कि तुझे पता था कि ऑफ है उसके अंदर. हाँ तूने बताया था मेरे को, ऑफ तो हमें तब पता लगे जब हम ऑर्डर कर ही रहे थे. चाहे 70 की भी होती तो हम तब भी करते. नहीं तो हम शायद ना करते क्योंकि मैंने तेरी बंदी $250 की एप्पल टीवी लेके आई है. मेरी बात सुन, तेरी कसम मुझे पता था कि इस पे बहुत बार डिस्काउंट लगता है. जब मैंने अपनी वो मंगवाई थी ना कॉफी मशीन, तब भी इस पे डिस्काउंट था. हाँ तेरी कसम, बट मैं ट्राई करना चाहती थी एप्पल टीवी. बंदी अपने आप को पब्लिकली ठीक प्रूफ करने के लिए पति की झूठी कसम दिखा रही है. नहीं खाई तेरी झूठी कसम यार. और एक और कमेंट आया था, ठीक है, कहते कीरत दी बहुत उदास रहते, वो कभी शेयर नहीं कर पाते, शी सो इमोशनल. मैं साला पीठ पे चाबुक के निशान दिखाऊं तुम्हें. साला अपनी कुकिंग के हिसाब से मंदिर व्लॉगिंग शुरू कर दी. वाह कि भाई चार लोग इसकी खाने की सब्जी की तारीफ जरूर कर रहे. नहीं यार मैं पता क्या रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती कि भाई मैं अभी कुक करती हूँ. आई थॉट I am going to make the vlog today. I am cooking and I'm going to show you all that I do cook. Dosto, jab kitchen saaf ho na, fir cooking karna bahut hi aasan hota hai. Itni waise nahi hai, thodi si aur dirty hai, but chal jayega kaam. Anyway, hum karenge isme cooking. Fishy likes to cook in non-stick, but I like to cook in stainless steel or iron cast. Thode dinon mein bahut hi zyada sexy Christmas party pe jaane wale hain. What? ये तो अजीब से लग रहे हैं. सर बिल्कुल लगातार किसी या बढ़िया एक नंबर. बाबू ये खराब हो गए. इतना बढ़िया बाबू, मैं इतनी मेहनत भी करूं और सब ये खराब होए. फिर मैंने पढ़ लिया, उन्होंने बोला अगर रिंकली हो जाए मत खाओ, इट्स बेटर टू थ्रो इट अवे बिकॉज आपका स्टमक अपसेट हो सकता है. मशरूम्स ऐसे बैड खाने से हो सकता है, होएगा नहीं, खा लेते हैं. मैं रिस्क नहीं ले सकती. हाँ तो कुछ और बनाऊंगी. दोस्तों मशरूम्स तो मैंने फेंक देने हैं. आई एम गोना मेक दाल पालक. और पालक को साफ करते हैं. बाय द वे जब से डिश वॉशर आया क्या बर्तन साफ होते हैं देखो, मस्त
इसपे ना नूडल्स वगैरह वैसे थोड़ा सा ऐसे फंस गया था, तो कुछ भी आप डिशवॉशर में डालो यार, मस्त साफ होते हैं बर्तन तो। और चॉपिंग बोर्ड भी मैं उसी में धो देती हूँ, सब कुछ डिशवॉशर में धो देते हैं हम। सीरियसली मुझे अब ऐसा लगता है कि बिना डिशवॉशर के तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, डिशवॉशर मेक्स इट सो इजी। दोस्तों अर्चू मम्मा को फोन किया है, अर्चू मम्मा ने दाल बनवाई मेरे को फटाफट। दाल इज ऑल रेडी, दाल पूरी मस्त बनी है आज। दाल पालक, पालक थोड़ी सी कम हो गई है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा डालूंगी। आटा गूंद लिया है, सो अब रोटी बनाएंगे। ये देखो कुकु इज सो क्यूट। ये क्या था कुकु? रुक जा। ये देखो बिहाइंड द सीन ऑफ माय चुटकी। गाइस अभी इसी लड़की ने म्यूजिक वीडियो खत्म हुई है इसकी, परोठिया बनाने आ गई है। मैं एक सीधी बात बोलता हूँ कि हमने खुद ही बहुत मेहनत की है, हम खुद ही अपने सपने पूरे कर रहे हैं। हमें बड़ा दिल था म्यूजिक वीडियो करने का, हमने पहले अखियां मिलावा की। वी डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी, वी क्रिएट आवर अपॉर्चुनिटी। मैं कि टेंशन नहीं लेने का, हम खुद खड़ेंगे। अखियां मिलावा की, फिर केसरिया किया, और उसके बाद अब अपना गाना आ रहा है। थैंक्स टू नवाब, थैंक यू सो मच नवाब। और अगर आपने अभी तक वो गाना देख लिया होगा तो आई होप आपने बहुत प्यार दिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देखोगे। देखो जाकर, मैं और तुम सारा जग घूम। बाय द वे किसी ने कमेंट किया है कि दैट वाज रियली ऑकवर्ड, इतने मिनट पे फैंस वाज ट्राइंग टू किस कीरत और कीरत ऊपर होगी, तो ये ले। हाँ कुकू मेरी भी बेइज्जती हुई थी, बट हमारे नेचुरल ब्लॉग है तो मैं काटता नहीं ज्यादा। तेरे को पता है कि पिछले साल दिसंबर में मेरे बर्थडे वाले टाइम जब हमने घूमने जाना था, मैं ऑफिस में बैठी बैठी लंच में डिसाइड किया लेट्स शूट अ सॉन्ग। डन है, मैंने कोरियोग्राफी पूरे पेज पे लिखी और तेरे को शेयर किया। हाँ। तू ऐसे फ्लैट हुआ, तूने कहा वाह आई थिंक वी कैन डू इट। एंड आज एक साल बाद हमने अपने खुद का गाना लॉन्च कर दिया। क्या बात है यार, मैं और तुम सारी जगह घूमो। ये दोस्तों इसी बात पे आपको भी बोलना चाहते हैं कि डू नॉट वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू नॉक ऑल द डोर्स दैट यू कैन। इतनी आसानी से नहीं होता। हमने भी पोस्ट डाली, सिंगर ढूंढा, बहुत सारे गाने आए थे हमारे पास बाय द वे, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया द बेस्ट सॉन्ग दैट वी लव्ड एंड वी लाइक्ड। एंड आई होप आप लोगों को भी इतना ही पसंद आया होगा। मैं हूं और तुम, दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट लिसन दिस सॉन्ग, हॉट चॉकलेट पकड़ो यार आप। ओए सर्दी में कब से यही सुनते जा रहे हो कि डिनर हमारी बातें यूं ही चलती रहे बेवजह, और हम कर क्या रहे इतने टाइम से। साथ ही साथ आपको दोनों चीजें दिखा दूं गाइस। सबसे पहले तो ये है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अगर आप में से कोई फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है जिसको नहीं पता, वैसे तो पता होगा इंडी फिल्टर क्या होता है, बट अगर ढूंढ रहा था तो इस कंपनी के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मेरे को मिले, नॉन प्रमोशनल कुछ भी नहीं है, मैंने खुद रिव्यू देके ऑर्डर किया है, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दूंगा, बट बाकी मेरे को क्वालिटी वगैरह रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया लगे। सो बेसिकली ये लगता है दिस इज लाइक अ गॉगल्स के कैमरे की, तो इसको आप घुमाओगे तो डार्क कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार होता है ना कि काफ़ी एक्सपोजर हाई हो जाता है, वॉश आउट आता है, तो ये उसको बचाएगा। गाइस तो एग्जांपल के तौर पे आपको देख रहा हूँ, आपको कीरत दिख रही है ना विदाउट फिल्टर, अभी ये मैं फिल्टर ऐसे ऊपर लगा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा और घुमाऊंगा, ये देखो। तो जब बाहर धूप वगैरह होएगी ना तो काफ़ी काम आएगा। तो इसके लिए आपको आईसो वगैरह थोड़ा इजी हो जाता है, दीज आर लाइक गॉगल्स। एंड देन इस भाई साहब को खोलते हैं, सामान उतना ही है एप्पल वाला, बट एप्पल के चोचले थोड़े ज्यादा हैं। ये देख कुकू, इन्होंने इस बार भी दिया है हाँ अडैप्टर, और ये देख चार्जर भी दिया है, फिर ये रिमोट है नॉर्मल वाला रिमोट जो पिछले वाला, उस पर ये वाले सारे बटन नहीं है। नहीं नहीं ये लेटेस्ट वाली फायर स्टिक है, और छोड़ रिमोट तो दिया ही दिया है कुकू, दो सेल भी दिए हैं अमेजोन के, तो ये सारा सेटअप दिया है एप्पल ने। गाइस आपके सामने ये एप्पल ने क्या ही दिया, दिया।